उम्मीदवार अर्जुन सिंह से भी मारपीट की गई है। उन्होंने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर इस मारपीट का आरोप लगाया है। हमारी संवाददाता आशिका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गई हैं। आशिका, अभी किस तरह की स्थिति देखने के लिए मिल रही है वहां पर? जी देखिए, फिलहाल तो परिस्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल जो हैं वो मिल करके जो तृणमूल के समर्थक हैं उनको रोक पाए हैं। लेकिन कुछ देर पहले जो यहाँ पर बैरकपुर में बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार हंगामा हुआ। अर्जुन सिंह जब बूथ पे पहुँचे, उनका आरोप था कि बीजेपी के एजेंट को बाहर निकाल दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद अर्जुन सिंह जब वहाँ से गुजर रहे थे, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक एक जगह पर इकट्ठा थे और जहाँ पर दोनों ही दलों के बीच में, दोनों गुटों के बीच में ज़ोरदार मारपीट हुई। बांस भी चले, लाठियाँ भी चली और इस दौरान अर्जुन सिंह का मुंह फूट गया है। और अर्जुन सिंह की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में ये घटना हुई है। अर्जुन सिंह का ये कहना है कि पुलिस जो है वो तृणमूल समर्थकों की मदद कर रही है। और उधर तृणमूल के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि पहले जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हंगामे की शुरुआत की गई है। बिल्कुल आशिका, आगे हम आपके पास आते रहेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में आपको पिछले चरण में भी याद होगा, चौथे चरण के मतदान में आसन